इससे प्रीवियस क्लास में हम लोग जो है बायोटिक फील्ड इंडस्ट्री के बारे में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए था जो कि फाइनाइट और इनफाइनाइट टाइप के केसेस थे। उसकी फिगर बनाया था एक ट्राइंगल का, रेगुलर हेक्सागन का और जो है वायर्स का। इसी तरीके से आगे जो है अब हम लोग देखते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं एक प्रॉब्लम अगर हम ऐसे लेते हैं कि ये स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर ऐसे बना दिया जाए यहाँ, ये ऐसे स्क्वायर बना दिया जाए यहाँ, ठीक है, ये ऐसे स्क्वायर जो है ले ले, ये यहाँ पर हाफ साइड ये इतना वायर है ही नहीं इस टाइप का, इस साइड का ये वायर इधर ये है नहीं, यहाँ पर ये ऐसे बना दिया, ये वायर ऐसे जा रहा है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, इसकी साइड मान लीजिए ए है, यहाँ से लेकर यहाँ पर ये भी ए है, यानी ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ए बाई टू, ये भी कितना हो जाएगा ए बाई टू, और इधर से भी कितना है ये ए बाई टू, ठीक, ये इतना, ये पॉइंट पी है। इस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड इंडस्ट्री निकालनी है, करंट ऐसे चल रही है लूप है तो करंट ऐसे जाएगी और इधर से होते हुए ये करंट ऐसे आ जाएगी वापस आ जाएगी, ठीक, करंट ऐसे जा करके इस तरफ से चल रही ऐसे होते हुए ये करंट वापस आ जाएगी। अब मान लेते हैं हम इनको अब इस पूरे शेप की वजह से पी पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड इंडस्ट्री बताइए, मैग्नेटिक फील्ड इंडस्ट्री पी पॉइंट पर कितना होगा, करंट कितना पास हो रही है, आई करंट पास हो रही है, आई करंट ऐसे जा रही है, आई करंट होते हुए इस तरीके से हमको पी पॉइंट पर जो है मैग्नेटिक फील्ड इंडस्ट्री बतानी है, मैग्नेटिक फील्ड इंडस्ट्री कितनी आएगी, ठीक है। अब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंडस्ट्री निकालने के लिए देखिए एक तो फिगर ये बनी हुई, एक अगर हम दूसरी फिगर बनाएंगे इसी में आपको बताते चले, आप ये फिगर अपना पहले बना लीजिएगा। अब देखिए हम क्या काम करते हैं, इसको वायर नंबर वन लेते हैं, इसको वायर नंबर टू लेते हैं, इसको वायर नंबर थ्री लेते हैं, इसको वायर नंबर फोर लेते हैं, इसको वायर नंबर फाइव लेते हैं, इसको वायर नंबर सिक्स है, ठीक, ये छह वायर, छह ग्रेस हमको निकालना है। देखिए हमने आपको आपका ऐसे बताया कि मैग्नेटिक फील्ड इंडस्ट्री अगर यहाँ पे डी डिस्टेंस हो और ये अगर ऐसे ये और ये इसका एंगल अल्फा वन ये बन रहा हो, अल्फा टू ये इतना एंगल बन रहा हो, डी डिस्टेंस ये है, अल्फा टू ये इतना बन रहा हो, डी डिस्टेंस ये है, इस पॉइंट पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंडस्ट्री निकालिए अगर करंट ऐसे जा रहा है, ये अल्फा वन ये अल्फा टू एंगल ये इतना लेते हैं, ये अल्फा वन अल्फा टू एंगल ये इतना लेते हैं, ये अगर वायर ऐसे हो इस तरीके से यहाँ पर और यहाँ पर तो ये अल्फा वन इधर अल्फा टू इस तरह हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा टू ये इतना एंगल, यहाँ पर अल्फा वन इधर जिस पॉइंट निकालना वहां से एंगल देखा जाता है, ठीक है। अब अगर इतना गैप कर देंगे तो ये वाला बचेगा, इसमें नीचे गैप कर देंगे तो ये वाला बचेगा, तब जैसे हम और हमने आपको बताया था अगर कोई वायर है इसके अंदर इसके सामने का पॉइंट हो, इसके ऊपर का पॉइंट हो, इसके सामने का पॉइंट हो, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंडस्ट्री क्या होती है, जीरो हो जाती है, ये आपको बता चुके हैं केस नंबर फोर्थ या फिफ्थ में, ठीक। अब हम इस वायर के इस पॉइंट पे निकाले, इस वायर के ठीक सामने ये पॉइंट पड़ रहा है, यहाँ बी वन कितना हो जाएगा, बी वन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, फिर इस वायर के निकाले इस वायर के तो ये अगर ये ए बाई टू ये ए बाई टू ए बाई टू ये ए हो गया, इधर ए है ये भी ए, इसका मतलब ये कैसे बन गया, स्क्वायर बन गया, क्या बन गया, स्क्वायर हो गया। तो अब अगर हमको हमको बस केवल इस इतने वायर के निकालना और इसके सामने डी डिस्टेंस ये इतना दे रखा है, ये इतना डिस्टेंस, तो आपका ये वाला फिगर बन रहा है, देखिए ये वाला हमको यहाँ निकालना है पी पॉइंट वहाँ, ये इतना पार्ट है ही नहीं ऊपर वाला, केवल नीचे वाला पार्ट है, ये केवल नीचे वाला पार्ट है, इतना निकालना, यानी अल्फा टू क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इसमें हमने आपको फार्मूला क्या बताया था, बी इज इक्वल टू इस पर जो निकल के आया था वेव नॉट अपॉन फोर पाई आई ए पॉइंट डी, यहाँ पर ये रहेगा और ये हो जाएगा साइन अल्फा वन प्लस साइन अल्फा टू, ये इतना बताया है, ये बन गया है साइन अल्फा वन प्लस साइन अल्फा टू, इसमें साइन अल्फा टू वाला पार्ट ये वाला इतना जीरो हो गया, यानी ये वाला पार्ट इतना जीरो हो जाएगा, बस केवल ये इतना बचेगा। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ये क्या कहते हैं स्क्वायर है, स्क्वायर होने की वजह से यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री ये इतना हो जाएगा, यहाँ पर एंगल इस पॉइंट पर कितना हो जाएगा 45, वो भी हो जाएगा और 45 देखिए 45 ये भी निकल के आ जाएगा इस तरह, और अगर 45 यहाँ यहाँ जबकि कोई हमें जरूरत नहीं है छोड़िए हटाइए जल्दी, ये 45 है ये 90 है ये भी 45 ये इतना हो जाएगा, अब जिसकी वजह से निकालेंगे 45। तो अब इस वायर की वजह से अगर हम निकाल रहे हैं तो ये डिस्टेंस हमको ए बाई टू पता है, ये डी का काम करेगा और ये अल्फा
वन हो गया, स्क्वायर निकालना है तो यहाँ से बी टू सेकेंड वायर है ना, ये स्क्वायर से अगर कैलकुलेट करेंगे तो बी टू वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट ये अपान फोर पाई, ये हो जाएगा आई अपान डी जगह कितना हो जाएगा ए अपान टू, और ये कितना हो जाएगा साइन 45, ये इतना आ जाएगा ठीक। ये आ जाएगा टू म्यू नॉट, ये आ जाएगा आई अपान फोर पाई, ये हो जाएगा फोर पाई इंटू ए टू म्यू नॉट आई अपान फोर पाई वन अपान रूट टू, ये आ गया। डायरेक्शन देखेंगे इस तरह से हम इधर पॉइंट इस तरफ, तो डायरेक्शन इधर आ जाएगा बाहर की तरफ आ जाएगा, तो बाहर की तरफ मतलब ये डॉट ये निकल कर जाएगा, इसकी आ जाएगा बी टू आ गया, बी टू ये आ गया। फिर बी थ्री, बी थ्री अगर निकालें इस वायर ड्रेस, अगर हम निकालते हैं इस वाले वायर ड्रेस तो ये वाला केस बन जाएगा, इसे इधर वाला ये खाली यहाँ निकालना है, इस पॉइंट पर निकालना है, यहाँ इस पॉइंट पर निकालना है, इधर का पार्ट है, इधर वाला पार्ट अगर ऐसे है तब ये वाला गायब, इसमें भी अल्फा टू जीरो हो जाएगा। ये इस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे निकालना है यहाँ पे एंगल 45, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये इतना ये बाई टू दे रखा है। करंट इसमें इधर जाएगी, ये भी पॉइंट इधर निकल, थम को इधर पॉइंट इस तरफ, फिंगर्स को पॉइंट की तरफ परपेंडिकुलर कोड, यानी ये भी इतने निकल के आ जाएगा, अगर इसमें कोई गलती नहीं है तो म्यू ट्वाइस म्यू नॉट आई अपान फोर पाई ए इंटू वन अपान रूट टू, ये इतना आ जाएगा, ये यहाँ पर ये इतना निकल के आ गया, ये बी वन बी टू बी थ्री आ गया। इस वायर की वजह से अगर ये ऐसे यहाँ पे इस पॉइंट पर अगर कैलकुलेट करते हैं, इस वायर की वजह से निकालते हैं इस पॉइंट पर, तो ये हो जाएगा बी फोर, बी फोर इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, इसके वजह से उस पॉइंट पर निकाले। फिर इसके वजह से अगर हम निकालते हैं बी फाइव, अगर कैलकुलेट करते हैं बी फाइव, बी फाइव में करंट इधर जा रही है इस तरफ, पॉइंट इधर है, परपेंडिकुलर किधर आ जाएगा डाउन मोड आ जाएगा, इसके वजह से किधर आएगा परपेंडिकुलर डाउन मोड आ जाएगा। अब ये वायर है यही वाला पार्ट फिर बन गया, जैसे ये वाला था उसका बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, ये बड़ा भाई, बाकी एंगल इसकी वजह भी एंगल 45, इसकी वजह भी एंगल 45, इसमें इधर का पार्ट नहीं था, इसमें भी इधर का पार्ट नहीं था, तो सब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है बाई टू है, बड़ा भाई है तो ये डिस्टेंस ये हो जाएगा ठीक है। तो अब यहाँ पर हो जाएगा ये भी आ जाएगा म्यू नॉट, ये हो जाएगा अपान फोर पाई, ये हो जाएगा आई अपान, ये एक जगह कितना हो जाएगा यहाँ पर ए रखा जाएगा म्यू नॉट अपान फोर आई बाई टी, और इन टू हो जाएगा साइन 45, साइन 45 की वैल्यू कितना रहेगा ये हो जाएगा, और यहाँ पर डायरेक्शन इधर आ गए क्रॉस आ गए, इस पर इधर जा रहा है अंदर की तरफ, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट, ये हो जाएगा आई अपान फोर पाई ए इंटू वन अपान रूट टू, ये क्रॉस निकल के आ जाएगा बी फाइव, ये बी फाइव निकल के आ जाएगा ठीक। अब बी सिक्स देखिए, बी सिक्स ये सिक्स नंबर का वायर ये है, इस वायर पे अगर इस पॉइंट पे निकालेंगे फिर यही वाला केस बन रहा है। अब फिर भी हमको यहाँ निकालना है इस पॉइंट, जैसे ये है इसी का बड़ा भाई ये भी हो गया ठीक, तो इसमें भी ऊपर वाला पार्ट नहीं है, डी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये इतना हो गया, एंगल 45 हो गया, एंगल 45 डिस्टेंस ये भी ए के बराबर हो जाएगा, तो इसमें भी उतना ही आएगा, करंट इधर जा रही है पॉइंट इधर है, ये भी किधर हो जाएगा इनवर्ट निकल के आ जाएगा बी सिक्स, ये आ जाएगा म्यू नॉट हो जाएगा आई अपान फोर पाई, ये हो जाएगा ए इंटू वन अपान रूट टू, ये भी क्रॉस आ जाएगा। अब ये दोनों क्रॉस और ये दोनों डॉट ये दोनों जुड़ जाएंगे, और बाकी वो ऊपर वाला जीरो है ही, और जो है इधर बी फोर जीरो है ही, ये दोनों जीरो हो गए, ये दोनों क्रॉस वाले जुड़ जाएंगे, ये दोनों डॉट डॉट वाले जुड़ जाएंगे। अगर हम डॉट ये निकालते हैं बी डैश निकालते हैं, ये हो जाएगा बी टू प्लस बी थ्री का निकालते हैं, बी टू प्लस बी थ्री ये आ जाएगा डॉट आ जाएगा, इनका अगर ऐड करेंगे नीचे का दोनों में सेम है, ऊपर का टू है यहाँ का टू है, जितना ऊपर का उसका जस्ट डबल हो जाएगा, ये कितना निकल के आ जाएगा फोर म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई इंटू ए इंटू रूट टू, ये इतना आ जाएगा, ये बी डैश आ गया। बी डबल डैश अगर निकालेंगे बी डबल डैश हो जाएगा बी फाइव प्लस बी सिक्स, ये इतना आ जाएगा। अब ये भी जितना है इसका जस्ट डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू म्यू नॉट, ये आ जाएगा टू म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई, ये जाएगा ए इंटू रूट टू, ये इतना जाएगा, ये डायरेक्शन किधर हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा। अब देखिए ये नीचे का डिनोमीटर, इसमें बी डबल डैश का जो डिनोमीटर है बी डबल डैश फोर पाई रूट टू, ये इतना इसका भी, यहाँ ऊपर फोर म्यू नॉट आई है, यहाँ टू म्यू नॉट आई है, इसका मतलब ये वाला ज्यादा है ठीक, और ये ज्यादा ये ऊपर तरफ है डॉट, ये क्रॉस नीचे तरफ है,
तो एक नीचे एक ऊपर, नेट भी क्या हो जाएगा बी नेट, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बी नेट इक्वल हो जाएगा बी डैश माइनस बी डबल डैश, ये इतना आ जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फोर म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई इंटू फोर पाई इंटू ए रूट टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा टू म्यू नॉट आई अपॉन, ये हो जाएगा फोर पाई इंटू ए रूट टू, ये इतना आ जाएगा। जो ज्यादा होगा उसी डायरेक्शन आएगी ज्यादा, ये यहाँ पर ये ऊपर से ये सेपरेट करेंगे, ऊपर कितना बचेगा टू म्यू नॉट, ये बच जाएगा आई अपॉन फोर पाई इंटू ए रूट टू, ये इतना आगे ठीक, ये हो जाएगा। अब टू से टू ये कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ पर आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन टू रूट टू और इंटू ए के बाद पाई ए के बराबर आ जाएगा पाई ए। अगर कोई गलती नहीं हुई है तो ये इतना आएगा, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए इसकी वजह से निकालते हैं, यहाँ पहला हुआ है पहले वजह से बी वन जीरो हो जाएगा, इसके बाद निकालेंगे म्यू नॉट अपॉन फोर पाई ठीक है आई अपॉन ए बाई टू, ये डिस्टेंस है बाई टू साइन फोर्टी फाइव, ये टू ऊपर चला जाएगा तो टू टू म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई के, ये तो हो जाएगा रूट टू ठीक। सिमिलरली इसका निकालेंगे तो ये इतना निकल के आएगा, फिर इसका जीरो हो जाएगा, इसके बाद निकालेंगे डिस्टेंस पे हो जाएगी बी फाइव आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई ए साइन फोर्टी फाइव वन अपॉन रूट टू। सिमिलरली ये भी इतना जाएगा डायरेक्शन, ये इसका जस्ट डबल कर देंगे, इसका डबल करेंगे फोर म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई ए फोर पाई रूट टू आ जाएगा ठीक है। इसका डबल कर देंगे यहाँ पर जितना है ये डबल हो जाएगा टू म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई ए, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों में से फोर म्यू नॉट में से टू निकल जाएगा टू म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई ए रूट टू, तो ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन टू रूट टू म्यू नॉट आई अपॉन टू रूट टू पाई ए, पर डायरेक्शन कितना हो जाएगा ये अपवर्ड की तरफ रहेगा ठीक। ये मैंने आपको एक मिक्स प्रॉब्लम करा दिया, थोड़ा मतलब भारी प्रॉब्लम है, इसमें आपको इसकी प्रैक्टिस हो गई अच्छी खासी। एक प्रॉब्लम और आपको कराता हूँ ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देता हूँ। मान लेते हैं जैसे अब सपोज कर लेते हैं कोई ये है बनाया दिया जाए अपने को, एक सर्कल है उसके अंदर एक रेगुलर पॉलीगन इंस्क्राइब कर दिया जाता है, तो सर्कल के सेंटर पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, जबकि एन साइड का पॉलीगन बनाया जाता है। मान लेते हैं ये सर्कल है ठीक है, ये सर्कल है ठीक, इसमें हम एक रेगुलर पॉलीगन बनाते हैं, ये साइड एन साइड का ये ऐसे बनाते चले जा रहे हैं, ये कितने साइड है एन साइड, यहाँ पर इसका सेंटर ले लेते हैं, ये सेंटर आ गया ठीक। इसके रेडियस जो है यहाँ से यहाँ तक दे रखा है, ये इसकी इसकी ये तो रेडियस के बराबर ही हो जाएगा, इसके रेडियस कितना दे रखा है ये आर दे रखा है, ये इसका सेंटर मान लेते हैं। इसमें ये जो रेगुलर पानी पॉलीगन बनाया गया है इसके अंदर ऐसे करंट जा रहे हैं ठीक, और ये जो सर्कल वाला पार्ट है ये इंसुलेटेड पार्ट है, इसके अंदर करंट नहीं जा रही, करंट की वैल्यू कितनी है आई ठीक है, और रेगुलर पॉलीगन इंस्क्राइब इनसाइड ए सर्कल इनसाइड अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड्स, या एन साइड्स लगा दी ऑफ एन साइड्स इंस्क्राइब इनसाइड अ सर्कल ऑफ रेडियस आर ऑफ रेडियस आर, फाइंड ये हो जाएगा फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड फील्ड। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में नहीं लिख रहा हूँ, खाली फील्ड लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, फाइंड फील्ड एट ये हो जाएगा सेंटर, सेंटर पर हमको फील्ड बताना है ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी ठीक। तो देखिए ये रेगुलर पॉलीगन बन रहा है, रेगुलर पॉलीगन बन रहा है, कितने साइड बन रहे हैं टोटल एन साइड बन रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस अप टू एन साइड, एन साइड पर पूरा ये 360 डिग्री घूम जाएगा, एन साइड पे पूरा 360 घूम जाएगा, तो एक साइड पे एंगल कितना आएगा, एंगल जो हो जाएगा एंगल निकालेंगे एट सेंटर, एंगल एट सेंटर फॉर वन साइड
वन साइड के लिए कितना जाएगा, इसको आप 360 को n से डिवाइड कर दीजिए, कितना जाएगा 360 लिखो या 2 पाई लिखो, यहां आ जाएगा 2 पाई बाय n आ जाएगा, 2 पाई बाय n ये टोटल एंगल बन रहा है, ये टोटल एंगल यहां से लेकर के यहां तक का ये एंगल 2 पाई बाय n। हमको एक वायर जो अगर निकाल दें ये से फिर ऐसे फिर ऐसे फिर सबको n टाइम्स कर दें मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट आ जाएगा। तो यहां पर ये लाइन आपको d डिस्टेंस चाहिए वायर से, ये d डिस्टेंस हो गया ना, ये वाला एंगल कितना जाएगा, ये टोटल एंगल 2 पाई बाय, ये कितना जाएगा अल्फा 1 अल्फा 2 कितना जाएगा, ये पाई बाय n आ जाएगा। ये रेडियस r दे रखा है अपने, ये रेडियस r दिया हुआ, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, अब हमको d भी तो चाहिए, ये यहां से यहां तक का जो ये d है पूरा, ये d भी चाहिए होगा। d निकालने के लिए आपकी तरफ हमने एंगल यहां से ले रखा है, इस जगह से ये एंगल ले रखा है, ये एंगल ये और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर, तो जिस लाइन से एंगल लिया जाता है वो बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर आपकी बेस ये बन जाएगा, हमको ये निकालना है। और हाइपोटेन्यूज जो है ये दे रखा है हमको r, हाइपोटेन्यूज r दिया है, यहां पर tan पाई बाय n इक्वल टू कितना जाएगा tan थीटा ले, इसमें क्योंकि हमको बेस चाहिए ना, यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस d चाहिए और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन इसमें आता है cos में आता है, तो cos पाई बाय n ये इक्वल टू हो जाएगा बेस यानी d अपॉन हाइपोटेन्यूज r, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां पर d बराबर हो जाएगा r into cos पाई बाय n के बराबर, ये इतना जाएगा r into cos पाई बाय n के बराबर, ये d की वैल्यू आ गई r into cos पाई बाय n, d निकल के आ गया। जब d निकल कर क्या आ गया तो हम एक वायर के से हम मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स निकाल सकते हैं, कितना होगा ये b1 इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट ये आ जाएगा अपॉन 4 पाई i अपॉन d ये रख देंगे r into cos ये हो जाएगा पाई बाई n के बराबर, ये इतना आ जाएगा cos पाई बाई n i बाई i अपॉन r cos पाई बाई n ये हो जाएगा into sin alpha 1 sin alpha 2 sin पाई बाई n ये इतना आ जाएगा प्लस sin पाई बाई n ये इतना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 sin पाई बाई n हो जाएगा 2 sin पाई अपॉन n, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्शन किधर होगा परपेंडिकुलर अपवर्ड हो जाएगा, डायरेक्शन देख लीजिए थंब इधर पॉइंट इधर ये निकल के आ गया, अब ये 2 पाई बाई n हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यानी b1 इक्वल टू निकल के आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ये हो जाएगा i अपॉन r ये रहेगा i अपॉन r, यहां पर sin पाई बाई n अपॉन cos पाई बाई n ये कितना हो जाएगा ये इतना बच जाएगा, चलिए इसको बाद में लिख देंगे, ये इतना sin पाई बाई n अपॉन cos पाई बाई n ये इतना रहेगा ठीक, ये इतना आ गया। अब ये डायरेक्शन अपवर्ड तो यहां पर ये हो जाएगा b1 इक्वल टू कितना हो जाएगा b1 इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन ये हो जाएगा 2 पाई ये हो जाएगा i अपॉन यहां पर आ जाएगा r इनटू tan पाई बाई n ये आ गया, ये एक तरह से निकालना हमको ये डायरेक्शन अपवर्ड, हमको b नेट चाहिए कितने साइड n साइड, तो n इनटू b1 ये इतना आ जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट ये हो जाएगा n इनटू i अपॉन ये हो जाएगा 2 पाई इनटू r इनटू tan पाई बाय n के बराबर ये आ जाएगा, ये आ गया हमारा b नेट निकल के आ गया b नेट, ये b नेट आ गया इतना टोटल, ये इतना आ गया b नेट की वैल्यू आ गई ठीक है। तो ये b नेट हमने क्या कहा कि एक साइड वेस्ट निकाल दी, हमको एक साइड ट्रायंगल नहीं दिया था, ये टोटल कह रहा पूरा सर्कल के अंदर n साइड बनाई गई है, n साइड बनाई गई है, n साइड बनाई गई, एक साइड में एंगल कितना आएगा 360 यानी 2 पाई को हमने n से डिवाइड कर दिया, n से डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा 2 पाई बाय n, 2 पाई बाय n इस पूरे साइड पे एंगल आएगा, हमको ये इतना एंगल चाहिए, ये एंगल हो जाएगा उसका हाफ कर दिए पाई बाय n आ जाएगा, पाई बाय n ये आ जाएगा रेडियस, हमको ये d डिस्टेंस चाहिए, d डिस्टेंस ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, अब ये एंगल राइट एंगल है ये और ये डिस्टेंस ये एंगल अपनी तरफ ये दिया है ये वाला एंगल नहीं दिया, तो बेस ये बन जाएगा परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज ये, तो यहां से tan पाई बाय ये बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन जो होता है ये cos में होता है, cos पाई बाय ये इक्वल टू हो जाएगा d अपॉन r, इससे d निकल के आ गया, फिर हमारा ये फार्मूला होता है अल्फा 1 अल्फा 2 इतना पाई बाय n d की जगह आ गया r cos पाई बाय इसमें रख दिया एक साइड पे ऐसा गया ये 2 हो गया 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये इतना आ जाएगा ऊपर sin पाई बाय n
नीचे cos पाई भाई एन ये इतना बचेगा, फिर हमको b नेट निकालना है, b नेट हो जाएगा इसका एन टाइम्स कर देंगे। अब इसमें एक सवाल और पूछता है, जनरली आईआईटी के क्वेश्चंस में पूछा जाता है, आप लोग जो है मैं बस इतना ही काफी है, हालांकि ये भी बड़ा दिख रहा होगा लेकिन इतनी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, बगैर बॉर्डर लाइन पे खाली प्रैक्टिस करके नहीं चलते। इसमें कहता है एन टेंड्स टू इनफिनिटी कर दिया जाए, मतलब ऐसे कितने साइड बना दिया जाए इनफाइनाइट साइड, तब फिर बी की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए इसमें थोड़ा सा मैथ्स का फंडा लगेगा, मैथ्स का फंडा अगर आपका क्लियर है तो ठीक है, थोड़ा सा है एलेवेंथ में बता दिया, नहीं क्लियर है तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं, इसको आप मत करिएगा, देख करके इसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अगर n टेंड्स टू इनफिनिटी होगा तो b नेट हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा जा सकता है म्यू नॉट m, ये हो जाएगा म्यू नॉट i, ये हो जाएगा म्यू नॉट हो जाएगा i अपान ये हो जाएगा 2r, ये इतना आ जाएगा, यहाँ पर ये है ये आ जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको लिख देंगे n टेंड्स टू इनफिनिटी, यहाँ पर लिखा जाएगा लिमिट, ये लिमिट लग जाएगा n tends to infinity, ये लगा देंगे ऊपर बचेगा tan pi by n, ये देखिए यहां से हमने अभी pi नहीं लिखा, 2r लिख दिए ना, तो यहां pi लिख दीजिए ऊपर की तरफ, यहां पर n बचा हुआ है तो यहां पर नीचे pi by n लिख दीजिए, तो ये n ऊपर चला जाएगा। तो अगर ऐसे लिखा रहता है लिमिट n tends to infinity और अगर tan थीटा पॉइंट थीटा हो, ये tan थीटा हो गया ना, tan पाई बाई एन की जगह थीटा, तो टैन थीटा हो गया अपॉन थीटा, टैन थीटा अपॉन थीटा लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी, या लिमिट थीटा टेंड्स टू इनफिनिटी, लिमिट थीटा टेंड्स टू इनफिनिटी, ठीक है। यहाँ पर यह आ जाएगा पाई बाई टैन थीटा अपॉन थीटा, ये मैथ्स की प्रॉपर्टी होती है जिसमें इसकी वैल्यू वन होती है, तो उस वक्त बी नेट निकल के आ जाएगा, ये बी नेट ये निकल के आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन टू आर के, ये इतना इक्वल निकल जाएगा, करेक्ट पास में। तो आपको एक दूसरी प्रॉब्लम ये बता दिया, अब आपको तीसरी प्रॉब्लम लेते हैं, थोड़ा सा ये भी उस टाइप की नेक्स्ट प्रॉब्लम, थोड़ा सा एंगल में मेन खेल रहे हैं और बाकी कुछ नहीं। अब मान लेते हैं एक रेक्टेंगल दे रखा है, रेक्टेंगल ये ऐसा दे रखा है इस तरीके का, एक बड़ा सा रेक्टेंगल दिया हुआ ये ऐसे, ठीक है ये रेक्टेंगल ये दे रखा है, यहाँ पर रेक्टेंगल का ये डायगनल्स है, ये इसमें डायगनल्स की लेंथ हमको दे रखा है, ये यहाँ से ये डायगनल्स की लेंथ कितना दे रखा है, डी दे रखा है, ये डायगनल्स की लेंथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक डी दे रखा है, ये इतना ठीक डी, और ये इतना एंगल जो दे रखा है ये एंगल 30 डिग्री इधर से दे रखा है, 30 डिग्री यहाँ पर ये इतना दे रखा है, 30 डिग्री 30 डिग्री दोनों डायगनल्स की लेंथ दे रखा है, साइड नहीं दिया हुआ केवल डायगनल्स की लेंथ दे रखा है, और ये 30 दिया रहा चाहे वो दिया रहे ना दिए रहे, जितना ये होगा उतना वो होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये डायगनल्स की लेंथ डी डी है दोनों तरफ से, ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ है इस पॉइंट पर, तो हमको बताना है नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये इस पॉइंट पर बताना है, और यहाँ पे करंट ये करंट इस तरीके से पास हो रही है, या किसी भी तरफ से करंट ले लिया इधर से ले लिया इधर से करंट दौड़ा दी, तो इसकी वजह से जितनी मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी उसकी वजह से इतनी आ जाएगी, एक प्लस निकाल दें डबल कर दे, फिर इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इंडस्ट्री यहाँ निकाल दें जितना आएगा ये अंदर की तरफ जा रहा है, फिर उसके बाद निकाले अंदर आएगा, इसके बाद इनसाइड आ रहा है इसके बाद इनसाइड आ रहा है, यानी एक इस साइड को निकालना पड़ेगा एक उस साइड को निकालना पड़ेगा, तो हम लोग बनाते हैं इसका एक फिगर बना करके देखते हैं, तो इसमें भी पहले ये मैग्नेटिक फील्ड इंडस्ट्री इसके बाद निकालना है, तब इसके बाद निकालने के लिए ये आपको वो पॉइंट हटा देते हैं, ये बड़े फिगर ऐसे बनाते हैं, ठीक ये इतना यहाँ पर ये डायगनल की लेंथ यहाँ पर डायगनल की लेंथ ये ऐसे ले लिया ये डायगनल की लेंथ ये ठीक, इसके अंदर करंट ये ऐसे जा रहे हैं ठीक, ये एंगल हमको ये टोटल लेंथ दे रखा है यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है ये डी दे रखा है,
ये लेंथ कितना गिवन है, डी लेंथ गिवन है पूरा। अब करंट ऐसे जा रही है तो आप यहां पर हमको इस पॉइंट निकालना, ये ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये परपेंडिकुलर। अब यहां तक की लेंथ पूरे डायग्राम की लेंथ कितना है, डी है। यहां से यहां तक की कितनी लेंथ हो जाएगी, डी बाई टू हो जाएगी। ये एंगल कितना हो जाएगा, बीच से 30 दे रखा है, ये 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ठीक। अच्छा अगर हम यहां से ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें, ये ऐसे, ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है, ये एंगल टोटल कितना बन रहा है 90, और ये एंगल कितना आ गया हमारा 15 आ गया, टोटल 90। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 75। अच्छा ये 75 हो जाएगा, ये भी 75 हो जाएगा, ठीक। तो हमारे इस वायर के लिए अल्फा 1 अल्फा 2 15 15, इस वायर के लिए अल्फा 1 अल्फा 2 75 75। अब देखिए हमको चाहिए क्या है, ये वायर यहां से यहां तक की डिस्टेंस ही है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे यहां से, तो जरूरत पड़ेगी वायर से इस पॉइंट अल्फा 1 अल्फा 2 बताओगे। अब ये डिस्टेंस है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस, क्योंकि ये एंगल है, फिर cos थीटा की हेल्प ले लिए, इसमें cos 15 की अगर हेल्प लेते हैं, cos 15 ये बेस हो जाएगा d, ये चलो इसको x मान लेते हैं, d ऑलरेडी ले रखा है, ये हमको x निकालना है, x अपान बेस अपान हाइपोटेन्यूस, x अपान कितना हो जाएगा d by 2, ये इतना हो जाएगा, यानी यहां से x की वैल्यू कितना ही करता जाएगा, d by 2 into cos 15, ये इतना आ गया, ठीक। अब हम निकाल सकते हैं इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये फर्स्ट वायर मान लेते हैं, ठीक। b1 निकालते हैं, b1 की वजह से आ जाएगा म्यू नॉट अपान 4π हो जाएगा i अपान d, d की जगह कितना निकल के आ गया d/2 और इंटू हो जाएगा cos 15, और ऊपर कितना हो जाएगा अल्फा 1 अल्फा 2 ये 15, यानी हो जाएगा sin 15 प्लस कितना हो जाएगा sin 15, ये इतना निकल के आ जाएगा 2 sin 15 हो जाएगा, 2 2 ऊपर जाएगा 4 हो जाएगा, ये 2 और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट i अपॉन पाई इंटू d इंटू हो जाएगा sin 15 अपॉन cos 15, ये इतना निकल के आ जाएगा। चाहो तो हम इसको b1 ये लिख सकते हैं, म्यू नॉट हो जाएगा i अपॉन पाई d इंटू tan 15, ये इतना हो जाएगा। और डायरेक्शन क्या होगा, करंट इधर जा रहा है, थंब इधर होगा, पॉइंट d हो जाएगा डायरेक्शन। तो मैं डायरेक्शन बता रहा था आपको, इसकी वजह से डायरेक्शन जो हो जाएगा इस तरफ किधर आ जाएगा, थंब इधर, पॉइंट इधर, परपेंडिकुलर डाउन, या परपेंडिकुलर डाउन ये डायरेक्शन लगा दीजिए, ठीक। ये इसकी वजह से आ गया, ये एक वजह से है। अब इसकी वजह से अगर हम निकालते इधर से, ये भी 30 डिग्री आएंगे, जैसे इधर वैसे इधर, इसकी वजह से निकालते इस पॉइंट पे, ये भी अंदर की तरफ हो जाएगा, यहां पर b1 डैश कितना हो जाएगा, b1 डैश हो जाएगा ट्वाइस b1 के बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन पाई डी इंटू टेन 15, ये इतना निकल आ जाएगा, ये क्रॉस आ जाएगा, ये आ जाएगा b1 डैश, ठीक, टेन 15 ये इतना जाएगा, b1 डैश किया गया। अब हम इस स्क्वायर से निकालें, किस स्क्वायर का, ये तुम्हारा एक आ गया, ठीक। एक चाहे कि इसको इक्वेशन ले लिए, ये b1 डैश जो भी निकल के आ गया। अब तो इसके बाद में जैसे हो गया, इसका हो गया, अगर इसके वजह से और आ जाए, इसमें करंट ऐसे जा रही, डायरेक्शन किधर होगा, करंट इधर, थंब इधर, पॉइंट इधर, इनसाइड, इनवर्ड, इनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसके वजह से अगर निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर कैलकुलेट करेंगे इस पॉइंट पर, अल्फा 1 75, अल्फा 2 75, ठीक। ये डिस्टेंस कितना दे रखा है इतना, ये डायगोनल, ये भी डी बाई 2 हो जाएगा, तो हमको क्या चाहिए, बेस चाहिए डिस्टेंस डी। इसमें डिस्टेंस डी अगर निकालेंगे, यहाँ पर cos 75 अगर देखते हैं, ये भी हो जाएगा cos 75, ये बेस बन जाएगा अपन हाइपोटेन्यूस, यहाँ पर ये x डैश अपन हाइपोटेन्यूस डी बाई 2, यानी x डैश इक्वल हो जाएगा यहाँ पर डी बाई 2 इंटू cos 75, ये इतना निकल के आ जाएगा cos 75 x डैश, ये इतना। अब यहाँ पर इसके वजह से अगर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें तो b2 इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट, ठीक, अपॉन 4π, ये हो जाएगा आई अपॉन डी, डी की जगह ये रखा जाएगा डी बाई 2, ठीक है, और इंटू cos 75, ये इतना आ जाएगा, और अंदर फिर sin 75 अल्फा 1 sin 75 प्लस sin 75, ये इतना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 sin 75, 2 2 ऊपर जाएगा 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी b2 इक्वल टू निकल के आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन पाई
इंटू डी इंटू आई इंटू साइन 75 मान लिए इतना टेन 75 ये इतना जाएगा, डायरेक्शन क्रॉस रहेगा, ये एक टू ऐसा है हमें जस्ट डबल करना है, बी टू डैश बराबर हो जाएगा टू इंटू बी टू के बराबर ये इतना जाएगा टू म्यू नॉट आई अपन पाई इंटू डी इंटू टेन टेन 75 ये इतना, ये बी टू डैश आ गया बी टू डैश ये इतना आ जाएगा, ये हमारे पास ये आ गया सेकेंड आ गया। अब ये भी किधर आ रहा है, इनके वजह से भी डायरेक्शन जो आ रही सब क्रॉस निकल गया है। अब इनकी इन इन दोनों वजह से भी क्रॉस आ रहा है, इन दोनों वजह से भी क्रॉस आ रहा है, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा बी वन डैश प्लस बी टू डैश, ठीक दोनों ऐड कर दें तो नेट बी ये टू म्यू नॉट आई अपॉन पाई डी और यहाँ भी है टू म्यू नॉट अपॉन पाई डी, ये बाहर निकल के आ जाएगा टू म्यू नॉट आई अपॉन पाई डी, ये इतना रहेगा और अंदर कितना जाएगा ये रहेगा टेन फिफ्टीन और प्लस टेन 75। अब चाहे आप यहीं छोड़ दिए आने आने वाले नहीं है प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम आपके यहाँ आने आने वाले नहीं है, केवल प्रैक्टिस के लिए आपको करा रहा हूँ, आप यहीं पे छोड़ दिए, वरना अगर आपको इसकी वैल्यू पता हो इसको लिख देंगे टेन 90 माइनस 15, ये 75 को क्या लिखा जा सकता है टेन 90 माइनस, फिर 90 में से 15 निकाल दो क्या बचेगा 75 बचेगा टेन 90 माइनस 15 और टेन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कितना हो जाएगा b इक्वल टू आ जाएगा 2 इनटू म्यू नॉट आई अपॉन पाई डी, आप यहीं पे आंसर छोड़ दिए ठीक, अगर किसी को और आगे सॉल्व करना हो तब मैं बता रहा हूँ, ये हो जाएगा tan 15 ही आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा cot 15 ये कितना आ जाएगा, अगर आपको इसकी वैल्यू पता है तो ठीक, नहीं मालूम है मुझे मालूम है मैं लिख दे रहा हूँ आपको, ये पाई डी ये इतना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 और ये आ जाएगा 2 प्लस रूट 3 ये इतना आ जाएगा, ये √3 कैंसिल हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 माइनस √3 और ये 2 प्लस √3 आ जाएगा, √3 कैंसिल हो जाएगा 4, ये कितना निकल के आ जाएगा 8 म्यू नॉट, कितना आ जाएगा 8 म्यू नॉट, यहाँ पर आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन पाई डी, ये पूरा, लेकिन ये आने वाला वाला नहीं है आपके, आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए बताया, अगर आएगा तो ऐसी वैल्यू दिया जाएगा जैसे ये 60 दे दिया 30 आ जाए या वो कुछ हिसाब से बना लेगा जितना एंगल निकल के आ जाएगा, ये मैंने आपको केवल प्रैक्टिस के लिए करा दी ठीक है। तो आज मैंने आपको इस लेक्चर में इतना करा दिया, कल मैं और नई प्रॉब्लम्स के साथ आपको नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आऊंगा, आप देखते रहिए प्रैक्टिस करते रहिए, आएंगे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आएंगे, आज बस इतना ही।